हम इसे आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। हमारे देश को इस सफर तक पहुंचाने में हमारे देश के लोगों का योगदान अहम है। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहे हैं जिनका शिक्षा के क्षेत्र में योगदान अहम है। सर, हमने आपके बारे में काफ़ी सुना है, आपका शिक्षा और समाज में योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण है। सर, आप केंद्र विद्यालय के भी शिक्षक रहे हैं और सेवानिवृत्ति के पश्चात भी आप अपना योगदान समाज के लिए दे रहे हैं। सर, हम आपके बारे में और जानना चाहते हैं, कृपया अपने बारे में बताएं। मेरा नाम दिल बहादुर लिंबू है। मैंने सन 1984 में केंद्रीय विद्यालय लोकरा में प्राथमिक शिक्षक के रूप में अपना कार्यभार संभाला। जब तक मैं स्कूल में था, मैंने अपना समय बच्चों के हित के लिए देने की पूरी कोशिश की। बच्चों की समस्या को लेकर मैं कभी कभी बच्चों के माता पिता के घर तक भी जाता था, उनको जितना हो सके मैं उनको काउंसलिंग भी करता था, उनके बच्चों की समस्या को मैं उन तक मैं पहुंचाता था। और आप जानते हैं, असम एक जनजातीय बहुल प्रदेश है। यहाँ पर बहुत सारे जनजाति लोग दूर दराज के इलाके में बसे हुए हैं, उनको शिक्षा के महत्व के बारे में बहुत कम मालूम है। इसलिए हम शुरू में उनको शिक्षा के महत्व को बताने के लिए उनके दूर दराज के गांव तक चले जाते थे। उनको हम लोगों ने शिक्षा के महत्व के बारे में बताया, उनको शिक्षा के बारे में या उनके बच्चों को दाखिला देने के लिए कन्विंस कराया। फिर वे अपने बच्चों को हमारे स्कूल में दाखिला देने लगे, और जैसे जैसे उनके बच्चों को शिक्षा मिलने लगी, उनके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन हमें देखने को मिला। और शिक्षा पाकर उनके बच्चों को अच्छी अच्छी नौकरी भी मिलने लगी, और उनके जीवन का जो स्तर है इस तरह से उन्नत होने लगा। सर, आप अपने योगदान के माध्यम से समाज में सकारात्मकता फैला रहे हैं, अतः अपने योगदान के बारे में बताएं ताकि हम और सभी लोग इससे प्रेरणा ले सकें। जी, मैंने केंद्रीय विद्यालय लोकरा में लंबी 33 साल तक अपना सेवा प्रदान किया। सन 2018 में मैंने अपनी सेवा से निवृत्ति ली। मेरे निवृत्ति के बाद भी मैंने अपने समय को सदुपयोग करने के लिए मैं कुछ आध्यात्मिक संगठन से और कुछ सामाजिक संस्था से मैं जुड़ गया। इससे मुझे तो लाभ हुआ, मैंने इस लाभ का हिस्सेदार अपने बच्चों को भी कराया। बच्चों में आजकल हम देख रहे हैं कि स्ट्रेस काफ़ी बढ़ रहा है, तो इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए मैंने उनको मेडिटेशन की प्रैक्टिस कराना शुरू किया। और मेडिटेशन का प्रैक्टिस करके उनके मानसिक संतुलन में काफ़ी सुधार आया। और पर्यावरण के सुधार के लिए मैंने गांव में या स्कूलों में बहुत सारे पौधा का वितरण किया, और एक दिन हम लोगों ने विद्यालय में वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी किया। इससे बच्चों में और समाज के लोगों में पर्यावरण के सुधार के लिए काफ़ी प्रेरणा मिली। तो आप भी इस तरह की सेवा करके पर्यावरण की सुधार के लिए और बच्चों की सुधार के लिए प्रेरणा ले सकते हैं। सर, हमें आपके बारे में जानकर काफ़ी कुछ सीखने को मिला। आपका समाज में योगदान उल्लेखनीय है, और हम आशा करते हैं कि आप हम सभी को इसी तरह प्रेरित करते रहें। धन्यवाद सर।